हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू सोनीज किचन। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे उड़द दाल के बोंडा या फिर इसे उलुंडू बोंडा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दाल के बोंडा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल। उड़द दाल मैंने 1 कप लिया है और एक बड़ी वाली अनियन लेके फाइन चॉप करके रख लिया है। कोरिएंडर लीव्स इसे भी फाइन चॉप करके रख लिया है। ग्रीन चिल्ली मैंने 4 ग्रीन चिल्ली लिया है इसे भी फाइन चॉप करके रख लिया है। और 1 टीस्पून लेंगे क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। और जिंजर, जिंजर एक 1 इंच के टुकड़ा जिंजर लेनी है उसे भी फाइन चॉप कर लेनी है। और हम लेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और सॉल्ट लेंगे टेस्ट के अनुसार ऑयल फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने ये उड़द दाल को भिगो के 4 घंटे के लिए भिगो के रख देनी है। फ्रेंड्स मैंने ये उड़द दाल को पहले से भिगो के रखा हुआ है। 4 आवर्स पहले मैंने इसे भिगो लिया था। ये अच्छी तरह से अभी भीग के रेडी है। फ्रेंड्स उड़द दाल को अच्छी तरह से धो के 4 घंटा भिगो लेनी है। अभी हम ये उड़द दाल को मिक्सी जार में ले रहे हैं। फ्रेंड्स पानी पूरा निकाल देनी है। पानी रहेगा तो बैटर पतली बन जाएगी और वड़ा अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। बोंडा बनाने के लिए बैटर बहुत ही घट चाहिए होता है यानी कि गाढ़ा बैटर चाहिए होता है। अभी ये बैटर, ये उड़द दाल को हम पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला है फ्रेंड्स। देखिए ये उड़द दाल जो भिगोए थे उसमें से जो पानी निकला है थोड़ा सा वही है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रही हूँ। पीस लेते हैं। अगर जरूरत पड़े तो 1 स्पून पानी डालेंगे, ना के बराबर ही पानी रहना चाहिए फ्रेंड्स, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। चलिए पीस लेते हैं। उड़द दाल को मैंने पीस लिया है। फ्रेंड्स दाल को छानते समय जितना पानी जार में गया था उसी पानी से मैंने दाल को पीस के निकाला है। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया है फ्रेंड्स। देखिए बैटर कितनी थिक है, इसी तरह थिक बैटर बनानी है। पतला बैटर बनेगा तो बोंडा अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। अभी हम इस बैटर को ये बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम ऑनियंस डाल देते हैं। और ये ग्रीन चिल्ली ये भी डाल देंगे। क्यूमिन सीड्स ये भी डाल देते हैं। और ये अपना जो जिंजर लिए हुए थे वो भी डाल देंगे। ये कोरिएंडर लीव्स ये भी डाल देते हैं। बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालनी है। और सॉल्ट, सॉल्ट 1/2 टीस्पून डाल रही हूं मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। और ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी हमारा बैटर रेडी है। इसे हम 5 मिनट के लिए इस तरह से रख लेंगे। अभी तब तक हम अपना गैस में कढ़ाई चढ़ा के तेल गरम कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, हमारा बैटर रेडी है। मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन करके ऑयल चढ़ा लिया है कढ़ाई में और ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हुए इसका बोंडा बना लेंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, रेनी सीजन में ये बोंडा बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप कोकोनट चटनी, ग्रीन चटनी इसके साथ भी सर्व कीजिए। महाराष्ट्र साइड में इसे वड़ा भी बोलते हैं फ्रेंड्स।
नाम कोई भी हो, टेस्ट लेकिन बहुत ही अच्छा है इसका। इसे गोल्डन कलर के होने तक फ्राई करेंगे। देखिए वड़ा कितने अच्छी तरह से फूल रही है, हमारा बैटर परफेक्ट बना है। हल्की ब्राउन कलर की हो गई है, दूसरी तरफ पलट के इसी तरह हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स बोंडा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए निकाल लेते हैं, बचे हुए बैटर को भी इसी तरह से बना लेंगे। इसे भी गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक फ्राई करेंगे। एक तरफ सिक जाए तब इसे पलट पलट के फ्राई करनी है। फ्रेंड्स हमारा बोंडा तल के रेडी है, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए हमारे बोंडा रेडी हो गया है, अब हम इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारे उड़द दल का बोंडा रेडी है, मैंने इसको कोकोनट चटनी के साथ सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स आप इसे कोकोनट चटनी या ग्रीन चटनी या लाल चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर शाम के स्नैक्स के टाइम भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।